सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। ये देखिए, ये एक किलो चिकन है, मैंने इसको धोकर रेडी किया हुआ है। अब इसमें पहले मैं मसाला मिक्स करूंगी। ये मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक और जीरा काली मिर्च, ऑलरेडी मैंने मिला दिया है। इसका पेस्ट है, इसको 2 से 3 चम्मच इसको डालूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्रेवी बनाना होता है। उसके बाद मैं टमाटर, हरी मिर्च और प्याज थोड़ी सी मैंने पीस के रखा है, उसको मिक्स कर रही हूँ। टमाटर मेरा फेवरेट है, इसलिए मेरे हर सब्जी में हर चीज़ में देखिए आप टमाटर पाएंगे। उसको किसी भी तरह से काट कर या पीस कर मैं जरूर डालती हूँ। टेस्ट के हिसाब से आपको जैसा तेज खाना है, लाल मिर्च डाल दें, थोड़ी सी बाद में हरी मिर्च भी डाल दूँ, नमक टेस्ट के हिसाब से नमक, मैंने ये चम्मच बहुत छोटा सा है इसलिए मैंने 3 चम्मच डाला है, और बिरयानी के चावल में मैं अलग से नमक डालूंगी। मसाले को मैरिनेट कर रही हूँ, इसको थोड़ी देर मैं बंद करके रख दूंगी, जब तक मैं दूसरी तैयारी कर रही हूँ उसके बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, थोड़ा ज़्यादा तेल लगेगा। अच्छा दिख रहा है, अब इसको मैं ढककर रखूंगी और इसको ऐसे ही पकने दूंगी। इसमें कुछ पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे तेल में ही बनेगा। थोड़ा सा इसको मैंने हरी धनिया काट कर डाला है, जब तक ये रेडी हो रहा है मैं दूसरे इसका चावल रेडी करूंगी। अब मैं चावल के लिए इसमें ऑयल डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं डाल रही, ये जीरा काली मिर्च, तेज पत्ता, इसमें 4-5 हरी मिर्च काट कर डालेंगे। ये पानी जब बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें चावल डाल के बनाऊंगी। देखिए पानी बॉयल हो गया, अब इसमें चावल डालूंगी, इसको थोड़ा कच्चा बनाऊंगी। तो उसके बाद मैं चिकन हो जाएगा तो इसको परत लगाकर दम पे रखना है। इस तरह से तैयार हुआ है, एकदम खिला खिला बना है, लेकिन ये थोड़ा एक हिस्सा इसका कच्चा है। अभी मैं इसमें चिकन की परत लगाऊंगी मसाले की, तो उसके बाद इसको दम पे रखूंगी, ये तो पूरी तरह से पक जाएगा। इसमें परत लगाऊंगी, इस तरह से परत लगा दें। देखिए अभी से इतना खुशबू लग रहा है, इतना स्वादिष्ट दिख रहा है, किसी का भी दिल करेगा इसको खाने का। एक किलो चिकन है और उसमें 1 किलो ही मैंने चावल लिया है, क्वांटिटी बराबर रहेगी ना तो बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में
इसे चावल डालूंगी। लगाया हमने, ये थोड़ा सा ये बचा था, मैंने फिर इसको डाल दिया। बाकी के बचे हुए चावल को मैंने ऊपर डाल दिया। बस इसको अभी दम करेंगे बंद करके। ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, अरे ग्रीन कलर मैंने डाल दिया था पहले ही, इसको मैं थोड़ा गार्निश करूंगी। ये हरी धनिया है, प्याज लाल करके मैंने थोड़ी सी निकाल दिया था, ये प्याज है, ये हरी मिर्च है। बहुत अच्छी तरह से गार्निश करूंगी, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। चावल में मैंने नमक डाल दिया था, जो मैं पहले बोलना भूल गई थी, चावल बनाने के लिए मैंने नमक डाल दिया था। तो इसको दम पर रखूंगी, थोड़ी देर के बाद हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है, देखने में कितनी खूबसूरत दिख रही है, खिले खिले चावल हैं। आप इसको गरम गरम सर्व कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।